Good evening guys, it's Kulvinder Singh from Malaypurla. Welcome back to my YouTube channel, The Accurate English. So guys, today I have come up with another video, and in this video I'll be teaching you some effective idiomatic expressions that you can use in your speaking module or in your speaking interview, in the actual exam, and it will, if used, you know, like accurately with a confident pitch, will definitely take up your score to a next level, right? And all these idiomatic expressions are with the word hit or associated with the word hit or revolve around with the word hit, H-I-T, hit. So without further ado, let's get started. The first expression is to hit the nail on the head. Nail, to hit the nail on the head, इधर मतलब होता है to do something right, to be absolutely right or to do something right. For example, you can say yesterday Jones hit the nail on the head. मतलब के वो perfectly right सीगा in doing something या in his opinion or something like that. You can use it to hit the nail on the head. The next one is to hit the books. To hit the books raje matlab ke America de vich zyada tar use kita janda hai jadon apan padhne lagda. I just hit the book and after that I hit the book. Hit diye tinno form de hit 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 ne te jive mann ke chalo tusi koi cue card suna rahe honge hai na bhi when I came back home so having rest for 2 hours then I hit the book. Hit the books, sorry. मैं किताबा मैं पढ़ाई करने लग गया, मैं किताबा पढ़ने लग गया. ठीक है जी. द नेक्स्ट वन इज टू हिट द जैकपॉट. टू हिट द जैकपॉट का मतलब होता है बहुत ज्यादा पैसे जीत लेने या बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जानी. जिम्मे आप कह सकते हैं भी बाय गेटिंग मैरिड टू हिम निशा हैज हिट द जैकपॉट. मतलब कि उन्हें बहुत ज्यादा पैसे मिल गए, जाने बहुत ज्यादा सक्सेस गेन कर ली. ठीक है जी. टू हिट द जैकपॉट कहते हैं. टू हिट द रोड जिन्हों बहुत ज्यादा स्टूडेंट डिपार्चर कहते हैं, है ना. डिपार्चर इज अ फॉर्मल वर्ड जिसमें मान लो ये ऑफ कोर्स ऑफन ही यूज होता है टू हिट द रोड जो बंदे ने करना होगा, क्योंकि बहुत सारिया सिचुएशन के कहते हैं आई डिपार्चर एट द फ्रॉम माई होम एट 10 o'clock. उदो तुम कह सकते आई हिट द रोड. This is a really, really good expression and amazing or spectacular beyond the real world. ठीक है. The next one, fifth one है to hit the roof or to hit the ceiling. मतलब के गुस्से हो जाना. ठीक है. As soon as I, the moment I, you know, like asked him about the divorce, he then and there hit the roof. मतलब के जदों मैं उन्होंने divorce बारे पूछा तो वह बहुत ज्यादा गुस्से हो गए. ठीक है जी. And the next one is to hit the sack. To hit the sack का मतलब है to go to bed or to go to sleep. In speaking ये भी बहुत ज़्यादा use होता है. तो जो usually तो सी कैसा है, well at around 9 o'clock or around 9 more or less I hit the sack. ठीक है जी. ये चीज तो सी कैसा है. तो next one is टू हिट द वॉटर. टू हिट द वॉटर मतलब के टू स्टार्ट ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल. ठीक है जी. ये बहुत घट यूज होता, रेयरली होता है. ठीक है जी. नेक्स्ट वन है टू हिट बिलो द बेल्ट. मतलब के किसी नूं कोई जिवें आप कहने भी हद ते मारी जां ऐदां दी कोई गल कह नहीं जो कि उन्हें हर्ट की जाए, है जां आप कह सकते हैं भी इस मतलब ऑलवेज टेंड टू और हैव आईज टू हिट बिलो द बेल्ट. मतलब कि वह ऑलवेज की है कि दूजे बंदे नूं मतलब कि एक तरह नाल फील करवाउंदा रहिंदा, है ना, नैगेटिव भी हाँ इदा उदा जो भी चीज़ है. टू हिट बिलो द बेल्ट इट कैन ऑलसो बी यूज इन स्पीकिंग वेरियस एट वेरियस टाइम. नैक्सट वन है टू हिट इट बिग. इहदा मतलब है टू बिकम अ ग्रेट सक्सैस. टू हिट इट बिग का मतलब है टू बिकम अ ग्रेट सक्सैस. जिवें मान लो आप कह सकते हैं कि इन हिज यू नो लाइक टीचिंग बिजनेस
ही हैज हिट इट बिग, मतलब के वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है इन हिज टीचिंग बिजनेस, ही हैज हिट इट बिग, और इन मूविंग और इन एक्टिंग करियर ही हैज हिट इट बिग, वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। टू हिट एंड रन या हिट एंड रन, हिट एंड रन की होता क्या, ही हिट एंड रन और ही हिट एंड रन, मतलब के एक्सीडेंट हो गया तो उतो भज जाना, जिमें आप बहुत पंजाबी भी ये चीज़ें सुनते हैं भी बंदे ने कार मारी या एक्सीडेंट करके उस भज गया, दैन द बैरी सिचुएशन इज परफेक्टली डिस्क्राइब्ड विद द इडियोमेटिक एक्सप्रैशन और कॉलोकियल एक्सप्रैशन हिट एंड रन। ठीक है जी, ये एज अ नाउन भी यूज किया जा सकता और दीज बोथ कैन बी यूज एज अ वर्ब, उसे फिर जिस पास्ट डेफिनेट लाना तो रन का रैन बनूगा, इदा भी कह सकते हैं इट वॉज अ हिट एंड रन, मतलब के भी ये एक इदा एक्सीडेंट थी उत्थे एक्सीडेंट होया तो बंदा भज गया। ठीक है जी, जां इदा भी कह सकते हैं कि ही हिट एंड रैन ओवर अ बॉय या ही हिट एंड रैन। द नेक्स्ट वन इज टू हिट द ब्रेक्स, टू हिट द ब्रेक्स मतलब टू स्लो डाउन, टू स्टॉप योर कार, आई जस्ट देन आई जस्ट हिट द ब्रेक, जिवें आप कह सकते अ डॉग केम आउट ऑफ नो वेयर एंड देन आई हिट द ब्रेक, मैं अपनी गड्डी रोक ली तो स्लो डाउन की थी। 12 है अपने को हिट इट आउट ऑफ द पार्क, हिट इट आउट ऑफ द पार्क, यदा मतलब की होंगे टू डू समथिंग एक्सट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है जी, तो आप कह सकते हैं कि 12 इफ आई टॉक अबाउट हिज स्पीच, रमेश हिट इट आउट ऑफ द पार्क, हिट इट आउट ऑफ द पार्क, भी उन्हें बहुत ज्यादा वधिया स्पीच दी, हिट इट आउट ऑफ द पार्क। नेक्स्ट वन इज टू हिट ऑन समवन, मतलब के टू फ्लर्ट समवन विद हैविंग सम सॉर्ट ऑफ रोमांटिक इंटेंशंस, जिवें आप कह सकते हैं लाइक अ गर्ल कैन आस्क अ बॉय आर यू हिटिंग ऑन मी, राइट, और अ बॉय एज वेल कैन आस्क अ गर्ल आर यू हिटिंग ऑन मी, या वी कैन से जैक इज हिटिंग ऑन और जैक हैज बीन हिटिंग ऑन निशा और जोन्स और लेटली, है ना, ऐसा करके। नेक्स्ट है टू हिट इट ऑफ, दिस वन कैन ऑल्सो बी यूज एट मैनी टाइम्स, जिमें मान के चलो थोड़ी कोई दोस्ती होंगी है बहुत पहले मिले आप उन्होंने बहुत ज्यादा वधिया दोस्ती होगी, तो आप कह सकते हैं कि वी हिट इट ऑफ राइट फ्रॉम द स्टार्ट, भी असं पहले तो ही साड़ी बहुत वधिया बन लग गई, मैं पंजाबी च कहना यदा मतलब होता बहुत पक्की वाली बननी, बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाना, हिट इट ऑफ का मतलब ओ डेवलप, वी कैन से वी हिट इट ऑफ राइट फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब कि साड़ी पहला तो ही वर्न लग गई सी। द नेक्स्ट द लास्ट वन, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू बी अ हिट, टू बी अ हिट इज ऑल्सो एज यू कैन प्रोबेबली गैस द मीनिंग दैट, यदा मतलब होंगे कि टू बी अ बिग सक्सैस, ऑल्सो टू हिट इट बिग एंड टू बी अ हिट, इस फर्स्ट सॉन्ग वॉज अ हिट, वॉज अ रियल हिट, ऐसा कह सकते हो। सो राजे 15 एक्सप्रैशन ने हिट वर्ड ना, इन्होंने किसी की प्रोनाउंसिएशन नहीं औखी। ठीक है जी, सारे सिंपल वर्ड्स ने, कोई इदा डिफिकल्ट नहीं है, एंड सारे ही बट बहुत यूजफुल ने। ठीक है, अगेन इन्होंने ध्यान की रखना राजे भी कि वर्ड कि अटैच करता, जिमें टू हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल, हिट द नेल, हिट द नेल, हिट द नेल, टू हिट द नेल, ही हिट द नेल और ही हिट्स द नेल ऑन द हेड, और ही हिट द नेल ऑन द हेड, ऑन द हेड, ऑन द हेड, ऑन द हेड, पहले तीन अखर आपस मैं अगले तीन अखर लास्ट अखर होंगे ना जो अगले जाके साउंड मिलता होंगे नैक्सट वर्ड न, प्रीवियस वर्ड का जोड़ा होंगे गा लास्ट एल्फाबेट का साउंड होंगे वो नैक्सट वर्ड के पहले एल्फाबेट के साउंड न जाके मिक्सअप होकर बनता होंगे स्पीकिंग दे जो आप जल्दी बोल हिट द बुक्स, हिट द बुक्स जी ये राजे हिट है ना, इन बेसिकली आप पंजाबी बोलते हिट, मतलब कि टी ते बहुत ज्यादा स्ट्रेस दें, बट इन इंग्लिश वी नीड नॉट और वी मस्ट नॉट। ठीक है जी, आप करैक्ट कर दें हिट, हिट का मतलब टी ते स्ट्रेस नहीं देना, टी ते आके अपने स्ट्रेस घटा देना, हिट ताड़ी जी टंग है ना हिट इतने होनी चाहिए उपरले टीथ के नाल लगे हिट, हिट जो आप हिट कहने तो टंग है जी टीथ के नाल लग के उदू बाद बैक नहीं जाते हिट अलग होगी, बट जो हिट कहने तो टंग इतनी लगी रहे हिट, हिट इतने। ठीक है जी, तो यह चीज़ का खास ध्यान रखना माउथ की टंग की पोजिशन तो पता लगता भी असल च प्रोनाउंसिएशन किमें, जे हिट कहोगे यू कैन ट्राई इट और यू कैन है ना प्रैक्टिस इट आउट,
हिट कहने हैं तो जी टंग अपनी वो नाल लग के उस बाद साइड तो बैक में चली जाती थोड़ी बहुत या नीचे आ जाती, बट जो आप हिट कहने हैं तो वह नाल ही लगी रही हिट हिट। जिमें आप मान लो कि कहना हो टू हिट द बुक्स, टू हिट द बुक्स, टू हिट द बुक्स, मतलब कि उन्हें पढ़ना स्टार्ट करता हिट द बुक्स, हिट हिट दू टू हिट द बुक्स, ही हिट द बुक्स द बुक्स। इस तरह नैक्सट वन टू हिट द जैकपॉट, हिट द सारे इदा ही कनैक्ट टू हिट द, ठीक है जी सारे जिन्हें भी आगे हिट हिट बिग, जिम्मे हम हिट इट बिग है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि हिट च भी टी हैगी इट च भी टी हैगी, हिट इट का भी एक तो कहना इट एक इट सेम चीज आ टी ना बहुते वर्ड का इदा ही होंगे जो ती टंग मतलब कि ना लगे हिट इट एक इट इट कहेंगे तो फिर अपनी टंग है जी उस तरह ही टच करूगी तो साइड मगर में होगी, बट जे इट कहेंगे इट तो नाल ही लगी रहेगी ही hit it big, he hit it big, he hit it big, hit it big, ठीक है जी। The next is hit and run, hit and run, देखो ना hit and and ये and का tend बन जाता hit and, hit and, जेनो इधर लिखिए अपन he tend, t a n d run, hit and 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 run, ठीक है जी। तो ये चीज़ इधर ध्यान रखना टू हिट ब्रेक्स का मतलब क्या है, हिट ब्रेक्स, ही आई हिट ब्रेक्स, हिट ब्रेक्स, हिट ब्रेक्स अगेन। इसी तरह ही हिट इट आउट ऑफ द पार्क, इधर की होती है ना हिट इट, हिट इट, हिट इट, ही हिट इट आउट ऑफ, उन्हें तो आउट दी रहा जो टी है जो ऑफ दे ओ नाल लिंक होगी तो जो ऑफ होता ये मैं पहली वीडियो भी दसिया इनू ऑफ बोलिया जाता ऑफ ओ भी बन जाता जो ओ डबल एफ ऑफ होंदा उन्हें ऑफ ही बोलते हैं, ठीक है जी। ओ एफ वाला ज्यादातर जो जल्दी बोलते हैं वो तो ऑफ बन जाता है, इट आउट ऑफ द पार्क ऑफ भी नहीं कहना यानी कि हल्का जाता इट इट आउट ऑफ द पार्क, इट इट आउट ऑफ द पार्क, इट इट आउट ऑफ द पार्क, इट इट कट्ठे हो गए ही इट इट आउट ऑफ द पार्क, आउट ऑफ द तीनों कट्ठे होंगे हिट इट कट्ठा आउट ऑफ द कट्ठा दैन पार्क कला बोलिया जाऊगा। इसी तरह ही टू हिट ऑन समवन, हिट ऑन, हिट ऑन, ही इज हिटिंग ऑन हर, इज हिटिंग ऑन हर, हिटिंग ऑन, हिटिंग ऑन, हिट ते ऑन कट्ठा लास्ट ते जेड़ा ते पर्सनल ओ अलग तो। इसी तरह हिट इट ऑफ, हिट इट ऑफ, ये तीनों कट्ठे ने हिट इट ऑफ का बनना हिट इट ऑफ, वी हिट इट ऑफ राइट फ्रॉम द स्टार्ट, वी हिट इट ऑफ, हिट इट ऑफ का बनना हिट इट ऑफ। इसी तरह टू बी या हिट, टू बी हिट के बस लास्ट ही ध्यान रखना हिट ते टी दा अपने टांगे ते लागे लगे हिट इट वाज अ हिट, इट वाज अ हिट, इट इज अ हिट, वाज अ हिट, ठीक है जी। तो ये राजे से तुसी हुण तो ही जो नवा एक्सप्रेशन सीखता ना बंदा उदों ही तुसी प्रोनाउंसिएशन ते इहदे ते टाइम लगा दो 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट जिन्ना भी है ना, इट डिपेंड्स ऑन यू ताडी जो भी कैपेसिटी है जां जिन्ना कि तुसी करदे हो ना उदे फिर ताडी उही आदत बन जाऊ, बट जे हुण तुसी गलत सीख लिया बाद दे विच उहनूं चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हुंदा है जी। हुण तुसी न्यू सीखे ने जिन्हां ने न्यू सीखने ने तां उह इहदा प्रोनाउंसिएशन क्योंकि स्पीकिंग दे विच फायदा फेर ही है कोई चीज़ सीखी जा रहा जे आपां उहनूं चलो ठीक आ ये हुंदा हैगा कि प्रोनाउंसिएशन कई बार टाइम भाल दी बट तुहानूं एटलीस्ट पता होवे भी इहदी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन की है, जे तुहानूं पता हैगा तां जिन्ने बार भी तुसी बोलोगे उहनूं ट्राई करोगे उहनूं राइट प्रोनाउंस करन दा, जदों राइट प्रोनाउंस करन दा ट्राई करोगे दैन तुसी डेफिनेटली वन डे उन्हों राइटली प्रोनाउंस करोगे, लगे जी पता। सो राजे ये हैगे ने हिट वर्ब दे नाल रिलेटेड्स इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस कह लो विच कुछ कॉलोकियल एक्सप्रेशंस जां चंक्स कह सकदे आ, ठीक है जी, जिहड़े कि बहुत ही हैल्पफुल ने खास करके अमेरिकन इंग्लिश दे विच यूज कीते जांदे ने, बट यू कैन यूज इन यूअर एक्चुअल एग्जाम इन आईएलटीएस स्पीकिंग टेस्ट, ठीक है जी। और इन्हां नाल डेफिनेटली तुहाडा स्कोर आ जिहड़ा काफ़ी इंप्रूव होगा। हुण तुसीं करना की है राजे, इन्हां नूं तुसीं डेली दी डेली डे बाय डे चाहे 5-5 करके कर लियो, चाहे वैसे कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि ईजी ने थोड़ा बहुत पढ़ के तुहानूं आ जाणा ने, इन्हां नूं रोज़ दी रोज़ प्रैक्टिस करनी यूज़ करना स्टार्ट कर देना, जिथे तुसीं क्लास दे विच इंटरव्यू दिंदे उत्थे भी यूज़ करना स्टार्ट करो एंड घरे आके प्रैक्टिस करके फिर स्टार्ट करो, उहदे नाल तुसीं जदों डे बाय डे प्रैक्टिस करोगे तां दैन दीज़ विल बिकम यूअर सैकेंड नेचर, जदों कोई चीज़ तुहाडी सैकेंड नेचर बण गई तां तुहाडी हैबिट बन जाऊ,
हैपन टू वन गेट मीनज तुहाडी स्पीकिंग ठीक हो जू। ठीक है जी, तो इन्हां नूं काइंडली लर्न करियो ते अपने आप नूं इंप्रूव करियो। सो अज दी वीडियो दे विच इन्ना ही। थैंक यू फॉर हैविंग वॉच माई वीडियोज। होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड एंड फाउंड द वीडियो इंटरेस्टिंग। बाय बाय टाटा।